दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज मूवी की एक कहानी के बारे में। इस मूवी की चर्चा अभी से जोरों पर है, लोग पृथ्वीराज मूवी के बारे में जानने के इच्छुक हैं। चलिए हम जानते हैं पृथ्वीराज मूवी की कहानी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। वो एक निडर बहादुर शासक थे जिन्होंने पश्चिमी भारत की विशाल भूमि पर अपना शासन किया था, जो शिवालिक से लेकर चंबल घाटी तक उनका राज्य फैला हुआ था। पृथ्वीराज की कहानी सम्राट पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। उनकी एक रचना मच चुके चौहान जो आज तक फेमस है। इस कविता की रचना 12वीं सदी में की गई थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को संबोधित करते हुए लिखा था, चार बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी का जिक्र किया गया है, जिसने धोखे से सम्राट को कैद किया था और गौरी को 16 बार युद्ध में हराने वाले पृथ्वीराज ने उसे हर बार माफ किया था, लेकिन 17वीं बार उसने राजा जयचंद की मदद से सम्राट को पराजित कर दिया था। मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में अक्षय कुमार नजर आएंगे और उनकी पत्नी संयोगिता के किरदार में मानसी छिल्लर, राजकवि चंद्रप्रदाय के किरदार में सोनू सूद दिखेंगे। जो मुख्य खलनायक की भूमिका में मोहम्मद गौरी का जो किरदार निभा रहे हैं वो है मानव बीज, और अभिनेता संजय दत्त इसमें काका काना की भूमिका में नजर आएंगे। राजा जयचंद की भूमिका में आशुतोष राणा, फिल्म में साक्षी तंवर और ललित तिवारी जैसे बेहतरीन कलाकार भी है, वो अपने अन्य किरदारों में दिखाई देंगे आपको। अभी हाल ही में इसका टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें दिखाया जाता है कि बहादुर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है उसकी वीरता और शौर्य के परिचय के साथ होता है। वॉइस ओवर के जरिए बोला जाता है कि जिसके पीछे 100 सेना 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने के लिए तैयार हो वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। सभी सलामी के लिए तैयार हो हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। इसके बाद टीजर के अंत में पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में अक्षय कुमार की आवाज़ आती है। वो इसमें कहते हैं, धर्म के लिए जिया हूँ धर्म के लिए मरूँगा। एक सच्ची कहानी और एक सच्चे योद्धा पर आधारित ये मूवी बनी है। इस मूवी का रिलीज होने का इंतजार हम सभी को है। इस मूवी को आप सभी लोग देखकर आए और मुझे बताएं आप लोगों को मूवी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।